पश्चिम बंगाल की कोलकाता में डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या की घटना को लेकर देश भर में आक्रोश देखा जा रहा है। वहीं मंडला में जिला अस्पताल के डॉक्टरों ने हड़ताल कर सुरक्षा कानून लागू करने की मांग की है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में एक महिला ट्रेनी डॉक्टर की दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी। घटना के विरोध में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने देश भर में 24 घंटे तक काम ठप करने का ऐलान किया है। कोलकाता की घटना को लेकर मंडला जिले में डॉक्टरों में भी विरोध देखने को मिला। यहां जिला अस्पताल में चिकित्सकों ने एक घंटे के लिए ओपीडी बंद कर हड़ताल की है। इसके साथ ही अपर कलेक्टर को ज्ञापन देकर चिकित्सकों ने केंद्रीय सुरक्षा कानून लागू करने की मांग की है। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, केंद्रीय सुरक्षा कानून केंद्रीय सुरक्षा आजादी 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 हमारी मांगे पूरी करो, जीवन सुरक्षा कानून लागू करो, लागू करो केंद्रीय सुरक्षा कानून ये जो है बंगाल में जो है मेडिकल कॉलेज में कलकत्ता जो शहर है वहाँ पे एक हृदय विदारक घटना हुआ है जो वाकई में घोर बड़ी गंभीर घटना है। उसके अगेंस्ट में हमारे यहाँ जिला चिकित्सालय में सारे जो डॉक्टर्स लोग हैं उसके खिलाफ में एक घंटे के बाइंड अप किए हुए थे, ओपीडी प्लस सामान्य सर्विसेज और एमरजेंसी छोड़ के, एमरजेंसी तो कंटिन्यू था हमारा, तो ये आज ज्ञापन दिए हैं। इसके बाद हमका कहना है कि कल मॉर्निंग से जो है सुबह 6 बजे से अब तो 2 दिन तक जो है नॉन स्टॉप जो है हड़ताल करेंगे उसी के अगेंस्ट में। हाँ, मैंने जो है अभी जिला प्रशासन से भी एडीएम साहब आए हुए थे तो चर्चा हुई, शहर में जो अन्य चिकित्सक वगैरह हैं प्राइवेट वाले प्लस आयुष के डॉक्टर हैं इनको हम लोग मिल के जो है एक व्यवस्थाएँ प्रभावित ना हो, जो गंभीर मरीज है उनको समुचित इलाज मिल जाए, इस संबंध में चर्चा हुई है और हम लोग जल्द से जल्द इसको बनाने का प्रयास करें। जिला चिकित्सालय में जो 27-28 डॉक्टर हैं आज के दिन वो ऑलमोस्ट सभी लोग हड़ताल इन्वॉल्व हैं और ये उनका जो है आज सांकेतिक वाला है, कल से फिर नॉन स्टॉप। मैं डॉक्टर रूबीना भिंगार देवे मैं आईएमए की लाइफ टाइम मेंबर हूँ और मंडला की ऑब्स्टेट्रिक गायनेकोलॉजिकल विभाग की एक मेंबर हूँ। हम सब ये चाहते हैं कि कलकत्ता में जो घिनौना कृत्य हुआ है जिसको हम डिस्क्राइब नहीं कर सकते उसके विरोध में हम लोग सब यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं और हम चाहते हैं कि एक कमेटी जल्द से जल्द कायम हो और एक सुरक्षित वर्किंग एरिया बनाया जाए, महिलाएँ अच्छे से कार्य कर सके, जो हम लोग 24 से 36 घंटे लगातार काम करते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि पुलिस कार्रवाई भी हो और जो कल्प्रिट है उनको सख्त से सख्त सजा दी जाए कि दोबारा ऐसी घटना होने ना पाए। और मैं चाहती हूँ कि सामान्य लोग भी हम लोगों की मदद करें ताकि हम इस आंदोलन को और आगे बढ़ा सकें। धन्यवाद सर। डॉक्टर से छुट्टी पे चले गए, क्या कारण है, कितने दिन के लिए गए कब तक रहे? क्योंकि ये हमारे 9 अगस्त को कलकत्ता में जो हमारी पीजी डॉक्टर थी उसके साथ टोटली उसका रेप किया गया, इसके बाद उसकी हत्या की गई, इसके विरोध में प्रदेश के साथ साथ पूरे देश भर में आंदोलन किया जा रहा है। जैसे कि आज हमारे द्वारा एक घंटे की ओपीडी 12 बजे से लेके 1 बजे तक की ओपीडी बंद की गई, इमरजेंसी सेवाएं अभी चालू है। ये सर अभी और कितने दिन चले गए थे? एक्चुअली इसको लेके हमारे जो आईएमए है और मेडिकल ऑफिसर एसोसिएशन है उनके द्वारा जो है पूरे देश में कुछ मांगों को लेके ये किया जा रहा है प्रदर्शन। अगर ये मांगे पूरी नहीं होगी तो कल दिनांक प्रातः 6 बजे से इमरजेंसी तथा ओपीडी बंद करने की बारे में जो भी आदेश ऊपर से आईएमए और डॉक्टर एसोसिएशन के माध्यम से प्राप्त होगा वो किया जाएगा। इसमें कौन कौन से कैडर शामिल हैं? इसमें सभी समस्त है, जो टीचर्स एसोसिएशन है और दूसरे जितने डॉक्टर एसोसिएशन है सभी घटक जो है इस आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं। सर जैसे इमरजेंसी सुविधाएं चालू रहेंगी उसमें इमरजेंसी में क्या शामिल रहेगा?
इमरजेंसी सभी प्रकार के ट्रॉमा एंड कैजुअलिटी चालू रहेगी और आज भी हम 1 बजे के बाद OPD कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सर। मैं डॉक्टर प्रवीण उइके, डिविजनल सेक्रेटरी मध्य प्रदेश MPM। मंडला से सलीम खान की रिपोर्ट।